बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा और इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है, इट इज अबाउट द डिजीजेस ऑफ मशरूम्स। मशरूम के ऊपर अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल, फंगल और वायरल तीनों तरह के जो पैथोजेंस हैं वो अटैक करते हैं और वो उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसको डिक्रीज करते हैं क्वालिटी को, और उसकी शेल्फ लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो बैक्टेरियोसिस, it is an unpredictable disease that can occur during the first or second sporophore flush. to jo hamare paas pehli ya dusri hamare paas jo flush aana hai ya jo hamare paas harvest hoti hai uske upar ye disease hoti hai, lekin it is unpredictable. ye lekin agar ho jaye to nuksan zyada karti hai. destructive diseases level disease levels are induced by the environmental conditions occurring at high relative humidity levels in growing chambers. तो ये ग्रोइंग चैम्बर्स में के अंदर डिस्ट्रक्टिव लेवल तक जा सकती है। बैक्टीरियल ब्लॉच जो आउटब्रेक्स हैं वो आर द एक्सेस। बैक्टीरियोसिस एक अलग है, इसके अलावा उसकी बात करें बैक्टीरियल ब्लॉच एक और डिजीज है, इनके बारे में आप वन बाय वन पढ़ेंगे। फेवरेबल टू बैक्टीरियल ब्लॉच आउटब्रेक्स आर द एक्सेस ऑफ वाटर, ये पानी के एक्सेस की वजह से होती है और लो एरिएशन की वजह से होती है। दीज कंडीशन कैन इंड्यूस द अकरेंस ऑफ द सुडोमनास reactants and Pseudomonas tulesi. तो basically मतलब bacterial diseases जो हैं वो different types की जो वो attack करती हैं mushroom के ऊपर। bacteriosis is one of them, bacterial blotch is another. now we will discuss one by them. bacterial yellowing की बात करें तो ये it is a disease observable during the cultivation. whatever the growing procedure is, it is yellowing that can cause the more severe damage. ये yellowing करती है, ठीक है, मशरूम को येलो कर देती है। और यही चीज़ हमने देखा था कि अगर स्पॉन येलो हो जाए तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, या ब्राउन हो जाए तो ये बैक्टीरियल येलोइंग का इंपैक्ट जो मशरूम की क्वालिटी के ऊपर है बुरा है। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ येलो डिस्कलरेशन ऑफ द पाइलस एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जो पाइलस है वो येलो कलर का हो जाएगा एंड इट इज अ हाइड्रोफोबिक, ऑफन इलोंगेटेड एंड कॉल्सिंग एरियाज ऑन द एंटायर स्टेम। जो एंटायर हमारा पाइलस है वो जो है वो इफेक्ट होने जा रहा है। symptomatic basidiomycota then stop growing, turn a reddish brown color and are affected by rotting, ठीक है, और वो जो हमारे पास कैप है वो रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगी और वहां पे रॉट हो जाएगी। डिजीज स्पोरोफोर्स एक्सहेल एन ऑडर, और वहां से एक स्मेल आती है जो कि अल्कोहल लाइक होती है, जो कि शुरू में अच्छी लगती है लेकिन वक्त के साथ साथ वो जो है बड़ी बदबूदार होती जाती है। Pseudomonas agarici and Pseudomonas reactans are reported as the most likely causal agents of yellowing. ठीक है जी, तो basically जो bacterial yellowing है वो Pseudomonas की वजह से होती है। इसकी different species involved हो सकती हैं। हमारे मुल्क में कोई और होगी तो मतलब अमेरिका में कोई और हो सकती है, but the genera mostly involved is Pseudomonas. Pseudomonas reactans जो है वो ग्रुप 5 के फ्लोरेसेंट Pseudomonas का मेंबर है एंड इज कंसीडर्ड टू बी सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया इनहिबिटिंग द मशरूम्स हाइफोस्फियर। बेसिटी एट अल रिपोर्टेड दैट येलो ब्लॉच इन ओइस्टर मशरूम कॉज्ड बाय Pseudomonas agarici फॉर्मड अ क्लीन येलो फ्लूइड ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर एट फर्स्ट। ये क्या करता है, Pseudomonas जो है Pseudomonas ओइस्टराइटस के ऊपर ओइस्टर मशरूम के ऊपर Pseudomonas agarici क्या करता है, एक ग्रीन येलो फ्लूइड बनाता है जो कि पहले शुरू में क्लस्टर फॉर्म में होता है, फिर डीफॉर्म होता है विद एन इंक्रीज इन सीवियरिटी। द स्टाइप टेंडेड टू रिकर्व नियर द बेस, नीचे से जो स्टाइप है बेस के करीब वो रिकर्व हो जाती है एंड द स्पोरोकार्प वाज अपराइट। अगर हम इसकी बात करें आगे तो येलोइंग जो है वो बेसिडियोमा डेवलपमेंट फेसेस के दौरान हो सकती है, फ्रॉम प्राइमोर्डिया अपीयरेंस टू कमर्शियल मैच्योरेशन। मतलब आप ये कह लें कि शुरू की डेवलपमेंटल स्टेज से जब तक हम उसको हार्वेस्ट नहीं करते तब तक येलोइंग हो सकती है। मशरूम प्रोड्यूसेस जनरली ट्राई एल्बिएट विद द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स टू प्रिवेंट येलोइंग और हॉल्ट इट्स डेवलपमेंट एंड स्प्रेड बाय एडिंग सोडियम हाइपोक्लोराइट और केमिकल्स कंटेनिंग आयोडीन टू इरिगेशन वाटर। तो जो यूज कर सकते हैं वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट और आयोडीन। कंट्रोल सच एज लोअरिंग रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी एंड वाटरिंग विद द लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशंस आर करंटली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स फॉर ब्लॉच डिजीज कंट्रोल। व्हेन मशरूम्स रिमेन वेट हाउएवर क्लोरीन हैज लिटिल इफेक्ट सिंस द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसेस एट अ रेट दैट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इस बात में समझने की वाली बात यह है कि सोडियम जो हाइपोक्लोराइट है
और या क्लोरीन बेस्ड जो केमिकल्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक अमाउंट तक। अगर आपकी जो मशरूम है वो गीला है, मतलब वहाँ पे वाटर की उसके ऊपर आप वाटर खुद हाथ से डाल रहे हैं या इरिगेशन का जो प्रोसीजर है उसमें, वन सो वी वर डिस्कसिंग दैट सोडियम हाइपोक्लोराइड या क्लोरीन बेस्ड जो सोल्यूशन है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो लेकिन अगर आप जो मशरूम है वहाँ पे उसको आप रिमेन्स वेट, अगर वो गीली रहेगी तो वहाँ पे क्लोरीन इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि वो इफेक्टिवनेस उसके उसको इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकेगी। सो दूसरी डिजीज़ जो है दैट इज़ बैक्टीरियल ब्राउन ब्लॉच सुडोमोनास टोलेसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है मशरूम के ऊपर। इट इज़ कॉजेज द बैक्टीरियल ब्लॉचेज इन द बटन मशरूम, इन द फ्लैमेलिना, इन ईस्टर मशरूम एंड इन शाइटैक मशरूम। तो ये तमाम के अंदर बैक्टीरियल ब्लॉच करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, और इसे आपको अपने जो मशरूम है उसको आपने बचाना है। इट इज कॉज्ड बाय द टुलेसी, इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सीरियस बैक्टीरियल डिजीज फॉर द ऑयस्टर एज वेल एज द अदर मशरूम्स। द डिजीज ऑफन अकर्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, मोस्टली तौर पे, उमूमी तौर पे, मतलब तमाम दुनिया में है, और ज्यादा मतलब अगर एक इलाके में आ गई है तो उमूमी तौर पे इट इज अ वाइड स्प्रेड। द डिजीज इंसिडेंस हैज बीन डिफरेंट ईच ईयर, वंस द डिजीज अकर्ड ऑन अ फार्म इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल बिफोर ऑल ऑफ द सबस्ट्रेट बैग्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द फार्म। तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, एक दफा हो जाएगी तो आपको अपने तमाम बैग्स जो हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे। इसमें होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लीजन्स होते हैं ऑन मशरूम कैप्स एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इन एंड डिस्कलरेशन ऑफ द स्टाइप, स्टाइप की डिस्कलरेशन है और मशरूम कैप्स के ब्राउन लीजन होते हैं, और मोस्टली दे आर ऑन द एज यानी कि साइड के कॉर्नर के ऊपर होते हैं, स्लाइटली कनकेव होते हैं विच कैन बी राउंड और स्प्रेडिंग, जो राउंड हो सकते हैं या फैल यानी कि उनकी इरेगुलर शेप के हो सकते हैं। टिपिकली हम बात करें स्पॉटिंग अकर्स एट और नियर द एज ऑफ मशरूम कैप्स, ये बेसिकली जैसे मैंने कहा कि नियर या एज के ऊपर या उसके करीब होते हैं। ब्लॉचेज जो है रिमेन तब होते हैं जब 4 से 6 घंटे जो मशरूम है वो गीली रहे। द ब्राउन स्पॉट्स एंड ब्लॉचेज इन लार्ज एंड पर्ल्स विद अदर्स, द अफेक्टेड एरियाज आर सनकन एंड कवर्ड विद अ स्टिकी मटेरियल। तो ये सनकन होते हैं जो इफेक्टेड एरिया है। However, the disease affects only the top external layers of the pilus. लेकिन इतने ज़्यादा सनकन भी नहीं होते, सो 2 से 3 millimeter अंदर तक जाते हैं, बाकी जो है ये अंदर नहीं जाते। Bacteria may reach and colonize on the surface of the pilus during the early fruiting body development stage while the young pilus is still in contact with the substrate. जो बैक्टीरिया है वो कॉलोनाइज कर सकता है on the surface of the pilus, शुरू में और बाद में। Growing greater bacterial population from the spawn substrates may result in more severe infection. ठीक है, अगर बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा होगी तो नुकसान ज्यादा होगा। Disease incidence may result directly from the bacterial colonization. के शुरू में substrate के ऊपर कितनी colonization थी बैक्टीरिया की उस पर होता है। जो वक्त के साथ साथ जो है ये disease severity वो में भी ये हो सकता है कि शुरू में हो, बाद में कम हो जाए, फिर ज्यादा हो जाए, लेकिन ये होता रहता है। Disease severity in the pilus is consistent with the primordial disease incidence for testis strains with on inoculation and spawn substrate. जो primordial disease incidence है कि जितने primordia होंगे उतने ही disease severity ज़्यादा होगी। It is important to control the transfer from the spawn substrate to the pilus during the early fruiting body development in order to manage this disease. कैसे हम रोक सकते हैं कि शुरू के अंदर आप spawn substrate के बाद आप उसको control करें, अगर कहीं पे attack है तो उसको discard करें, ये इसका हल हो सकता है। अगर ये स्प्रेड कर गई ज्यादा तो इकोनॉमिक लॉस होगा बहुत ज्यादा, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सम सुडोमोनास आइसोलेट्स फॉर देयर एंटागोनिस्टिक एबिलिटी जो है, हाउएवर इन द वीवो इन सप्रेसिव इफेक्ट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, लेकिन वो भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमारे पास नहीं है। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन डी टेक्सिफाइज टोलेसिंस प्रोड्यूस्ड बाय सुडोमोनास टोलेसी एंड सिग्निफिकेंटली सुप्रेस द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्ट्रेन नंबर 9045 जो है वो अभी तक इफेक्टिव साबित हुई है इन्वेस्टिगेशन से, सो दैट कैन बी यूज्ड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो है दैट इज सॉफ्ट रॉट। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेंटुइया स्पीशीज की वजह से हो सकती है। पेंटुइया इज अ जेनरा, इसमें बहुत सी स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये करते क्या हैं कि वाटर सोक लीजन्स टाइप्स और पाइलस के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ सॉफ्ट रॉट डिजीज इंक्लूड अ डार्क ब्राउन वाटर ड्रॉप। ये एक वाटर ड्रॉप डार्क ब्राउन कलर का होता है अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में, जो कि वक्त के साथ साथ वाटर सोक्ड होता जाता है ऑन द स्टाइप और कैप के ऊपर।
अगर मतलब ये डिजीज हो तो 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरी जो आपके ऑल टिल ऑल द मशरूम्स बॉडी इट कैन गो. द लीजन एक्सपेंड ग्रेजुअली और विस्कस म्यूकस लाइक फ्लूइड फाइनली लीडिंग टू अ मुशी सॉफ्ट रॉट. और एंड के ऊपर हमारे पास मशरूम का सॉफ्ट रॉट, मुशी सॉफ्ट रॉट हो जाएगा और उसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आएगी जो कि टिपिकली बैक्टीरियल डिजीजेस के साथ एसोसिएट की जाती है. कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव क्लोरीन आर एट प्रेजेंट द मोस्ट कमर्शियली कॉमनली यूज केमिकल्स फॉर बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल. वाटरिंग फी द कॉन्सेंट्रेशन एट 175 ppm एक्टिव क्लोरीन वर इफेक्टिव फॉर द रिडक्शन ऑफ द सॉस रॉट कॉज बाय द सूडोमोनास इरिंजी विदाउट अफेक्टिंग मशरूम जीन. तो ठीक है, जो हमारे पास इट्स नॉट द सूडोमोनास, इट द पेंटूया इरिंजी है. तो बात यह है कि सॉफ्ट रॉट में हमारे पास शुरू में वाटर सोक लीजन होंगे जो बाद में डार्क ब्राउन होंगे. डार्क ब्राउन होने के बाद वो जो वाटर सोक लीजन है वो फैलते जाएंगे, पहले स्टाइप पे जाएंगे और उसके बाद 8 दिन के अंदर अंदर कैप में चले जाएंगे और वहां पे एक सॉफ्ट रॉट जैसी शक्ल बनेगी जिसकी अंदर बहुत ही बुरी स्मेल होगी. जो चीज हम इसको अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं दैट इज क्लोरीन एट द रेट ऑफ 175 ppm. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दैट इज द सेट्राइप नेक्रोसिस. इवेंजिला अमेरिकाना वाज आइडेंटिफाइड एज एन ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन. इवेंजिला अमेरिकाना ये जो है इंटरनल स्ट्राइप नेक्रोसिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है. द सिम्टम्स ऑफ द इंटरनल स्ट्राइप नेक्रोसिस अपीयर एज अ वेरिएबल ब्राउनिंग रिएक्शन. इसके ऊपर होता क्या है कि वेरिएबल स्ट्राइप के अंदर वेरिएबल ब्राउनिंग होती है, मतलब ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है. एंड देन इफ अगर हम उसको कट करें द ब्राउन टिश्यूज एक्सटेंड फ्रॉम द बेस टू द कैप. मतलब वो नीचे से ब्राउनिंग शुरू होके कैप तक जाएगी जब हम उसको दरमियान में से कट लगाएंगे. मतलब ये हमारे पास तना है तो उसको दरमियान में से कट लगाएंगे तो नीचे से ऊपर तक जो है वो ब्राउनिंग हो जाएगी, लेकिन ये कैप के अंदर नहीं जाती. 1 मिनट प्लीज. तो हम बात कर रहे थे कि वो जो नीचे से अगर क्रॉस करेंगे तो वो ऊपर तक नीचे से ब्राउनिंग शुरू होके कैप तक जाएगी और उसके बाद जो ब्राउन टिश्यूज हैं वो उसको अंदर से मारते जाएंगे एंड द होल कंप्लीट जो हमारे पास स्टॉक है वो बेसिकली कोलैप्स हो जाएगा, लीविंग अ हॉलो सेंटर और दरमियान में से वो खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से यू कैन से व्हेन देयर इज नो, मतलब जो सिस्टम ही जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वही खत्म हो जाएगा. तो अल्टीमेटली वी विल हैव अ वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ मशरूम. लेकिन तमाम केसेस में जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो हार्वेस्टिंग पे आपको नजर आएंगे. द अक्रेंस ऑफ इंटरनल स्ट्राइप इज हैज ओकेजनली बीन एसोसिएटेड विद द वाटर लॉगिंग. ये वाटर लॉगिंग ऑफ द मशरूम स्टॉक के वहां पे अगर आप ज्यादा पानी देते रहे और लॉगिंग हो गई देन दिस डिजीज इज गोइंग टू डिवेलप एंड इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड एवेपोरेशन जो है वो आपने उसको मेंटेन करना है. These were the bacterial diseases. हमने स्ट्राइप नेक्रोसिस पढ़ी, सॉफ्ट रॉट पढ़ी, बैक्टीरियल ब्राउन ब्लॉच पढ़ी और बैक्टीरियल येलोइंग पढ़ी. ये तमाम बैक्टीरियल डिजीजेस थी. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर द फंगल डिजीजेस. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई बबल, वेट बबल, इस तरह की डिजीजेस जो हैं वो फंगल फंजाई जो हैं वो मशरूम्स के अंदर करते हैं. लिसेनिसिलियम फंजिकोला इज अ डिवास्टेटिंग पैथोजन इन द मशरूम इंडस्ट्री विच कॉजेज सिग्निफिकेंट लॉस इन द कमर्शियल प्रोडक्शन. दिस मोल्ड कॉजेज ड्राई बबल disease in commercially cultivated mushrooms. ठीक है जी. So Lysenicillium fungicola is a very serious pathogen, fungal pathogen of the mushrooms. Two distinct symptoms are observed on the developmental stage of the sporophores at the time of infection. Infection of sporophores की बात करें at the pin or button stage resulted in the development of typical dry bubbles. ठीक है. जो हमारे पास जो बटन स्टेज या पिन स्टेज है, मतलब शुरू के अंदर इन अर्ली स्टेज जो है उसमें हमारे पास क्या होता है कि टिपिकल ड्राई बबल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर अब स्पोरोफोर के जो टिश्यूज हैं उनका एक मैस, उनके अंदर फंजाई का एक मैस प्रोड्यूस होता है. इन कॉन्ट्रास्ट मैच्योर स्पोरोफोर शोड, लेकिन अगर शुरू में अगर हो जाए ये पिन और बटन स्टेज के ऊपर ड्राई बबल, लेकिन अगर ये यंग मैच्योर स्पोरोफोर्स के ऊपर हो तो वहाँ पे क्रैकिंग और कर्लिंग ऑफ द टिश्यूज is very well noticed and depression, browning and necrosis can be observed. Control कैसे कर सकते हैं? Strict hygiene करें, regulation of the environment and the routine fungicide program. Few chemicals can be used for the control of dry bubble because the host is also sensitive to fungicide. The effective and currently legal chemical for dry bubble is sporogon. Active ingredient is prochlorase manganese.
मैं आपको वैसे ओवरऑल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें कम बताता हूँ केमिकल कंट्रोल, क्योंकि इट इज़ इफेक्टिव, लेकिन ये फंगल डिजीज के बारे में, ये यूनिक मशरूम की डिजीज के बारे में मैंने हर चीज़ का कंट्रोल बताया, केमिकल भी, क्योंकि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कल को इसको एज ए बिजनेस लेने के लिए तो आपको पता हो। सो इट इज मतलब स्पोरगॉन जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं, या प्रोक्लोराज मैगनीज के इस सॉल्ट में कोई भी चीज़ आपको अवेलेबल हो, इट कैन बी यूजफुल टू अवॉइड द ड्राई बबल, विच इज अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज ऑफ मशरूम इन कमर्शियल प्रोडक्शन। द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन मोल्ड, जो दूसरी डिजीज हमारे पास है, दैट इज ग्रीन मोल्ड। ठीक है, ग्रीन मोल्ड आपको वैसे भी नजर आता है कि मतलब ब्लैक मोल्ड का आपको पता है, इसी तरह एस्परजिलस की बहुत सी स्पीशीज जो होती हैं वो हमारे पास मोल्डिंग करती हैं, लेकिन जो ग्रीन गोल्ड मशरूम्स में होती है इट इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा वैसे हमारे पास एक एंटागोनिस्टिक यूज के तौर पे यूज करते हैं हम, और वो एंटागोनिस्टिक जो है वो मशरूम्स या अदर केमिकल्स को, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा मशरूम्स के अंदर इटसेल्फ बीमारी कॉज करता है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड। तो ये एपिडेमिक्स में भी समटाइम नोटिस की गई है। कॉजल एजेंट जो इसकी है वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम इज अ वेरी पॉपुलर बायो कंट्रोल एजेंट, लेकिन हेयर इट इज कॉजिंग अ डिजीज। सो ट्राइकोडर्मा प्लेरोटिक कोला हैज बीन फाउंड बोथ ऑन द वाइल्ड, मतलब ये हर जगह पे ये आपको मिल जाएंगी। ये जो ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज है ये कल्टिवेटेड में, यानी कि नेचुरल कंडीशन में एंड हमारी कल्टिवेटेड या जो कमर्शियल प्रोडक्शन है दोनों में आपको अटैक नजर आ सकते हैं। The appearance of the green fungal sporulation in Wistrom mushroom substrates are the typical green mold symptom. Green fungal sporulation, ठीक है? अगर आपकी आपके pilus के ऊपर या cap के ऊपर green spores आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके ऊपर green mold का attack है या trichoderma की किसी species का attack है, और no mushroom will be produced if the attack is going to be severe. Cause कौन करता है? ये इट इज कॉज्ड मैं सपोज ट्रांसमिटेड बाय सबस्ट्रेट, मोस्टली ये आती है सबस्ट्रेट से। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर प्रेजेंट एट द इनिशियल फेज ऑफ सबस्ट्रेट प्रिपरेशन, जब आप सबस्ट्रेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी इनिशियल फेज के अंदर ही ये मौजूद होती है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ पास्चुराइजेशन में डिसअपियर हो जाती है, लेकिन ये फिर दोबारा आ जाती है। फाउंड अगेन इन द सबस्ट्रेट आफ्टर इनोकुलेशन विद द प्लेरोटा स्पीशीज ड्यूरिंग स्पॉन रन एंड इन द हार्वेस्टिंग साइकिल। So we need to be careful के मतलब शुरू में हमने उसको control किया हो due to the pasteurization तो बाद में भी आ सकती है। So you need to be vigilant throughout the till the harvesting. इसमें हम क्या करेंगे, the substrate is exposed to grain mold infection mostly during spawn run. तो ये mostly ये है क्योंकि ये opportunistic होते हैं, तो mostly spawn running के दौरान या trichoderma कहीं से उस वक्त अगर आ जाता है तो initiate the disease at that time. होता क्या है कि टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक हीट की वजह से हो जाता है, वेयर नो ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस। द ऑप्टिमल पीएच फॉर ट्राइकोडर्मा इज एसिडिक न्यूट्रल कंडीशंस। तो अगर हम इसको 5-7 की बजाय अगर हम पीएच को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ट्राइकोडर्मा की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। सो ट्राइकोडर्मा अगर आपके में कहीं जगह पे अटैक हो गया तो आप अपनी पीएच को अल्कलिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो ट्राइकोडर्मा कंट्रोल हो जाएगा, बट इट विल अल्टीमेटली आल्सो इंपैक्ट द ग्रोथ ऑफ द फंजाई। लेकिन अगर आप 8 के करीब करीब मेंटेन रखें पीएच को, सो जो आपकी मशरूम है वो ग्रो अच्छी करती रहेगी और ट्राइकोडर्मा जो है वो सुप्रेस हो जाएगा। द माइसीलियल ग्रोथ ऑफ ट्राइकोडर्मा स्पीशीज इज कम्प्लीटली इनहिबिटेड बाय पास्चुराइजेशन। अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 आवर्स करें तो आपका जो माइसीलिया है ट्राइकोडर्मा का वो डेड हो जाएगा। Of green mold occurs at maximum or iski jo good condition that is 80% relative humidity. So agar aapke paas ye spores maujood honge to humidity umumi taur pe mushrooms mein itni hoti hai, so it can attack. The hypothesis of a possible reduction of the trichoderma pleurotum infection by substrate alkalization is also supported that green mold is not reported to be a severe kahan pe iski is cheez ko ke alkalinity isko help karti hai ke addition of lime jo hai wo US mein hota hai jo ke wahan pe pH jo hai wo 7.5 se zyada hi practice ki jati hai to wahan pe ye jo disease hai wo kam hoti hai. However this treatment seems to be ineffective against ye pleurotum ke against to theek hai lekin pleurotic cola mein ye effective nahi hai. जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज बिनोमोल